बताइए सर, क्या लग रहा है बाजार के अंदर में, किस तरीके की स्ट्रेटेजी बन रही है? और निफ्टी जो बढ़िया तेजी दिखा रहा है, जो कि हम लोग जो पिछली बार अभी कल ही शायद बात कर रहे थे, जो इंटरनेशनल फैक्टर्स की और उन ट्रिगर्स की वो आ गए हैं, वो आंकड़े, और उसका फायदा हमें भी आता हुआ मिल रहा है, आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है सर? सर निफ्टी का मैजिकल फिगर, अभी अपन मैजिकल फिगर से ही बात स्टार्ट करते हैं। मैजिकल फिगर निकल के आ रहा है 17,375 का, 17,375। जो आइडियली अगर देखा जाए सेटअप को, तो मैजिकल फिगर से अगर बाजार बहुत दूर हो जाता है तो वो ओवरबॉट कैटेगरी में चला जाता है। तो यहाँ से एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल इसके 17,870 और 17,940 के लेवल के इर्द गिर्द आ रहे हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा सा कॉशियस होना जरूरी है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2-5% अगर बाजार गिरता भी है तो इसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह ही कैपिटलाइज करना है हमको। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म निवेशक हैं तो 17,870 से 940 के एरिया में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। सपोर्ट लेवल की बात करूं तो 17,530 का लेवल जब तक नहीं टूटता है तब तक 17,375 के भी स्तर नहीं देखे जा सकते, यानी दिखने चाहिए। 17,530 का स्तर कटता है तो एक बार के लिए बाजार मैजिकल फिगर को टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये किन लेवल्स पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्वेश्चन की राय, क्योंकि वो बाजार के अंदर में, वो निफ्टी के अंदर में आप अगर चार्ट्स पे ध्यान दें तो आपको दिख जाएगा कि क्यों कह रहे हैं, और उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करके जैन साहब बता रहे हैं, क्योंकि ये एक थोड़ा सा क्रिटिकल लेवल है, कहीं थोड़ा सा रिस्की हो सकता है या कुछ हो सकता है, तो बेसिकली थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में ही समझदारी है, और बाजार में समय समय पर प्रॉफिट बुक करते भी चलना चाहिए, तो उसी तरीके से स्ट्रेटेजी बन रही है। जैन साहब, मेरे को बैंक निफ्टी पे भी फिर लेवल्स बता दीजिए, और मैजिकल नंबर अगर कुछ वहां पे निकलता है तो वो भी दे दीजिए। सर मैजिकल नंबर के बिना तो हम बैठते ही नहीं बाजार में। 38,880 का भाव चल रहा है अभी, और 38,970 से 39,130 के एरिया में इसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मैजिकल फिगर इसका निकल के आ रहा है 37,500 का, जो कि ऑलमोस्ट 1,300 पॉइंट यहाँ से नीचे है। लेकिन 37,500 टेस्ट करने की पॉसिबिलिटी 38,255 के स्तर कटने के बाद बनेगी। तो यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है 38,970, 39,000 के लगभग, तो एक बार के लिए बाजार 38,255 टेस्ट कर सकता है, और अगर इसको ब्रीच करता है तो 37,500 के स्तर देखे जा सकते हैं। तो यहाँ से फ्रेश पोजिशन लॉन्ग बिल्टअप नहीं करना है, और इन इन जोन में जो 38,970, 39,130 के जोन है, यहाँ पर अपनी शॉर्ट टर्म पिक का प्रॉफिट बुक करते रहना है। तो ये राय बैंक निफ्टी पे भी, और बिना मैजिक नंबर के तो कह रहे हैं जैन सर कि हम काम ही नहीं करते, और इसीलिए वो देश के बड़े मैजिशियन भी हैं नंबरों के, शेयर बाजार के अंदर में तो बड़ा मैजिक वहां से निकल के आता है, बढ़िया जादू हमें देखने को मिलता है। ठीक है।